ऑल राइट सो हम पढ़ने जा रहे हैं ओसीपी के बारे में। ओसीपी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ मात्राएं होती है, ये मात्राएं बीच बीच में आती है जो हमें याद करना होता है। जैसे कॉपर टी के अंदर कॉपर 380 ए होता है और कॉपर टी 200 होता है। हार्मोनल IUCD के अंदर 13.5 होता है, 19.5 होता है और 52 मिलीग्राम होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट की बात करें तो ये बना होता है एथाइलिन विनाइल एसीटेट का, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, तो होता है इसके अंदर प्रोजेस्टिन, उसका नाम है ईटोनोगेस्ट्रल, जिसकी मात्रा होती है 68 मिलीग्राम। माला एन की बात करें तो ये क्या होती है, एक कंबाइंड ओसीपी होती है। इसके अंदर 0.15 मिलीग्राम होता है एलएनजी, जो कि एक प्रोजेस्टिन कंपोनेंट है। इसके अलावा 0.03 मिलीग्राम होता है इसके अंदर एथाइनिल एस्ट्राडायोल। अंतरा प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, डंपा डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट। तो कैसे देते हैं ये कि 150 मिलीग्राम देते हैं इंट्रामस्कुलरली हर 3 महीने के अंदर, अंतरा हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलर डोज देते हैं 150 मिलीग्राम का। ये है छाया, जिसे सहेली भी कहते हैं, इसको सेंट क्रोमैन भी कहते हैं, इसे ऑर्मेलो ऑक्सीफेन भी कहते हैं। होता क्या है, ये सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इसे 1 वीक के अंदर 2 बार देते हैं और इसका डोज होता है 30 मिलीग्राम। ठीक है, इट इज़ स्टार्टेड एट अ डोज ऑफ 30 मिलीग्राम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब देखो IUD की बात की हमने, हार्मोनल हो सकती है और नॉन हार्मोनल हो सकती है। नॉन हार्मोनल ही क्या है, कॉपर वाली है। तो अब ये जो कॉपर वाली है ना, इट कैन लीड टू विल्सन डिजीज़। इसके अलावा इससे कॉपर एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, कॉपर टी 380 ए या कॉपर टी 200, इसकी लिमिट क्या होती है, 10 साल तक होती है ये वैलिड। ओवुलेशन पे इसका कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। एक होता है नोवा टी, इसकी क्या खासियत है कि ये कॉपर तो अपने साथ रखता है बट इट आल्सो कंटेन सिल्वर। तो ये तो बात हो गई किसकी, कॉपर वाले की। अब बात करते हैं हार्मोनल की, तो इसके अंदर होता है लीवो नॉर्गेस्ट्रल। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और लिवर डिजीज़ क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर इफ़ अ वूमन इज़ हैविंग अ लिवर डिजीज़ और हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, इन दिस केस दिस हार्मोनल IUD इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसकी लिमिट कम होती है कॉपर वाले से, सिर्फ 5 साल के लिए होती है। कौन कौन से कंसेंट्रेशन में आती है, 13.5, 19.5 और 52 मिलीग्राम। देखो ओव्यूलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कॉपर के केस में, लेकिन हार्मोनल केसेस में इट कैन लीड टू एमेनोरिया, और यही इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होती है। इसके लिए एग्जांपल है माइरिना, जिसके अंदर होता है LNG। देखो यहाँ पे कुछ कॉपर टीज बनी हुई है, यह है कॉपर टी 380 ए और यह है कॉपर टी 200। जो 380 ए है उसके अंदर ये एडिशनल जुड़ गए हैं। ठीक है, बात करें मल्टीलोड 375 की, तो ये कुछ इस तरीके से घुमावदार होता है, इट आल्सो रिलीज कॉपर। नोवा टी की बात करें तो ये नोवा टी कुछ इस तरीके से होता है, और ये है हमारा LNG इंट्रायूटराइन सिस्टम। तो जब ये सब पढ़ लेते हैं तो हम बात करते हैं कि इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है। तो 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है इसके लिए, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हो कोई, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, या फिर फाइब्रॉइड्स हो, मतलब यूट्रस के अंदर किसी भी तरह की कोई स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है, एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। हम बात करते हैं हम पोमरॉइड टेक्निक क्या होती है। तो पहली बात तो ये कि इसमें ट्यूबल लाइगेशन किया जाता है, और ये ट्यूबल लाइगेशन की एक मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। क्या ये इरिवर्सिबल है, हाँ, बट सर्जिकली रिवर्सिबल है। इसकी खासियत क्या होती है कि शॉर्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर होता है। अब हमारी अगली ड्रग है छाया, सहेली, सेंट क्रोमैन या ऑर्मेलोक्सीफेन। ये क्या होता है, एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इसको देते हैं हम
एक वीक के अंदर 2 बार देते हैं और डोज होता है इसका 30 मिलीग्राम। इट इज़ स्टार्टेड आउट एट अ डोज ऑफ 30 मिलीग्राम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट कैन बी गिवन टू वुमन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वेयर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सीधी सी बात है, ब्रेस्ट कैंसर के कंडीशन में जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं? तब बात आती है सेंट क्रोमेन की, क्योंकि ये होता है नॉन स्टेरॉयडल, ये कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होता है। अब एक ये नया मेथड आया है इश्योर मेथड, ये सर्जिकली भी रिवर्सिबल नहीं होता, ये परमानेंट डिवाइस होती है, परमानेंटली ये इनफर्टाइल और स्टरलाइज जो भी होता है वो करा देती है। ये इस तरीके से जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर और फाइब्रोसिस को जनरेट कर देती है। देखो, दिस डिवाइस इज़ द लेटेस्ट मेथड ऑफ हिस्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। द मैकेनिज्म इज़ द लोकल ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्लूजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इरिवर्सिबल होती है और ये एक परमानेंट टेक्निक है। अब हम बात करते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दो कंपोनेंट होते हैं। कौन सा एस्ट्रोजन हम यूज़ करते हैं? तो इथाइनल एस्ट्राडायोल यूज़ करते हैं हम। वहीं बात की जाए प्रोजेस्टिन की, तो हमने आज ही पढ़ा कि प्रोजेस्टिन दो तरह के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव होते हैं और ये एंटी एंड्रोजेनिक लिखा हुआ है इसके अंदर, तो होते ही होंगे। तो इस तरीके से ये होता है। एक बात ध्यान रखने की होती है कि लिपिड प्रोफाइल शुड बी रेगुलरली चेक्ड, क्योंकि ये लिपिड प्रोफाइल को डिरेंज कर देते हैं। ये माला एन की बात करें दोबारा, तो कंपाइंड ओसीपी होती है, एलएनजी इसके अंदर 0.15 मिलीग्राम होता है और इथाइनल एस्ट्राडायोल इसके अंदर 0.03 मिलीग्राम होता है। अब देखो मोनोफेजिक कंबाइंड ओसीपी की बात करते हैं हम, इनके लेवल की। मोनोफेजिक का मतलब होता है इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का सेम अमाउंट होता है। इनकी भी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। इसके अंदर जो एस्ट्रोजन वाला कंपोनेंट होता है वो सेम होता है हर जनरेशन के अंदर, दैट इज़ इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। बट विद ईच जनरेशन द प्रोजेस्टिन कंपोनेंट इज़ डिफरेंट। इन फर्स्ट जनरेशन, देर इज़ नोर एथेंड्रोन होता है। सेकेंड जनरेशन में देखो इसके लिए निमोनिक है नालंदा, ना से नोर एथेंड्रोन हो गया। सेकेंड जनरेशन में ला ला से हो गया एलएनजी, फिर दोबारा ना आ गया तो थर्ड में नोर गैस्टिमेट और फोर्थ में डी नालंदा, तो ड्रोस पेरिनोन। ठीक है, इंजेक्शंस की बात करें तो डोपा एक इंजेक्शन होता है, डीपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इंट्रामस्कुलर या सब क्यूटेनियसली दे सकते हैं। अंतरा प्रोग्राम की हमने बात की थी कि इसके अंदर 150 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर देते हैं हर 3 महीने में। अब बात कर लेते हैं हम स्पर्मिसाइड्स की, तो स्पर्मिसाइड होता है हमारे पास नॉन ऑक्सीनोल 9 और फैक्सी। फैक्सी क्या होता है? एक वेजाइनल जेल होती है दैट कंटेंस लैक्टिक एसिड, सेट्रिक एसिड एंड पोटेशियम बाइटार्टेट। ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज है टुडे नाम का। इसके अंदर भी क्या होता है? नॉन ऑक्सीनोल 9 होता है, नॉन ऑक्सीनोल 9 इम्प्रेगनेटेड पोली यूरेथेन की बनी हुई ये डिस्क होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर आता है कॉपर IUCD, 5 दिन के अंदर देनी होती है। LNG 72 घंटों के अंदर देनी होती है, इसका डोज होता है 1.5 मिलीग्राम। यूलिप्रेस्टल 5 दिन के अंदर देनी होती है, इसका डोज होता है 30 मिलीग्राम। लिवोनोर्गेस्ट्रोल को देते हैं हम 0.75 मिलीग्राम स्टेट और 12 घंटे के बाद में बचा कुचा डोज देते हैं। सेंट क्रोमोन की बात करें तो एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इट शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। फर्स्ट डोज इज गिवन टू टेबलेट्स ऑफ 30 मिलीग्राम ईच एंड सेकेंड डोज इज आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज अगेन टू टेबलेट्स ऑफ 30 mg ईच। वेल दिस इज ऑल यू नीड टू नो।